मंगल मराठा युद्ध जो कि उनका द्वितीय युद्ध है, और पिछली क्लास में हमने आंगल मराठा युद्ध का पहला जो पार्ट है वो पढ़ा था। अब हम द्वितीय आंगल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। तो द्वितीय आंगल मराठा युद्ध कैसा या कब से कब तक रहा है, वो 1803 से लेकर 1805 तक रहा है। तो 1800 इतने तक रहा था। पहले मैं आपको बता दूं कि 1782 में मराठों और अंग्रेजी कंपनियों के बीच जो है सालवाई की संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सालवाई की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो के बाद जो है परिस्थिति प्रॉपरली नहीं चल रही थी, अनुरूप नहीं चल पा रही थी, परंतु 1795 में जो है सवाई माधवराव द्वारा जो है 21 वर्ष की आयु में शनिवारवाड़े से जो है कूद कर उन्होंने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली खुद की। इसके बाद जो है रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय जो है वो पेशवा बने, यानी कि राजा बने, परंतु वे एक कमजोर पेशवा थे। तो नाना फडणवीस जो थे उनके सवाई माधव राव पेशवा वो बनना चाहते थे कि खुद, मतलब उनके मन में इच्छा थी कि मैं भी पेशवा बनूं। तो बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में ही एक उच्च पद पर ये रहते थे, ठीक है, और अच्छा कार्यभार भी संभाला हुआ था। बाद में 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य एक अलग अलग यानी कि दो गुटों में बट जाता है। आपस में ही उनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। उस समय जो मराठा साम्राज्य था वो होलकर और सिंधिया वंश से बहुत ही संघर्ष हुआ है। किस किस के बीच हुआ है, होलकर और सिंधिया वंश में जो है आपस में बहुत तकरार हुई, और इन वंशों या इन संघर्षों में जो है पेशवा का सहयोग सिंधिया वंश के साथ मिला है। किसके साथ मिला है, सिंधिया वंश के साथ ये मिला हुआ है। 1802 में या के आसपास हड़पसर क्षेत्र है, वहां पर यशवंत राव होलकर की सेना पेशवा व सिंधिया वंश की सेना को हरा दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय जो उस समय पेशवा के पद पर थे, वो उन्होंने पूना अपने साम्राज्य को छोड़ दिया, यानी कि पूना जो है वो अपने साम्राज्य के लिए जो है वो छोड़ दिया और बसीन चले गए, यानी कि अदर स्टेशन था वो बसीन, वहां पर चले गए कि मतलब क्योंकि वो हार गए थे, ठीक है। तो यशवंत राव ने जो है पूना साम्राज्य में खुद को पेशवा न बनाकर, ध्यान से सुनिएगा, पेशवा न बनाकर विनायक राव को पेशवा बना दिया। किसको बनाया, विनायक राव को पेशवा बनाया, और क्योंकि अगर वे खुद ही पेशवा बन जाते तो बाकी मराठा साम्राज्य जो था वो भी वंशों में इसी आपत्ति होती कि वो भी वंशागत हो जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यशवंत राय पर ही आक्रमण कर दिया, और विनायक राज यानी कि यशवंत राव के नियंत्रण के हिसाब से जो है कार्य करता था। इसलिए यशवंत राव ने बाजीराव को हराने के बाद जो है विनायक राव को भी पेशवा बनाया था। किसको बनाया था, विनायक राज। बाजीराव द्वितीय ने फिर पेशवा बनने की चाह थी, क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं भी राजा बनूं। इस क्रम में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के पास चला गया कि भाई तुम मेरी हेल्प करो। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया सहायता मांगने, तो मराठा साम्राज्य में आपस संघर्ष का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों के साथ जो है मिलने जा रहा था, तो उसने कौन सी संधि की थी, बसीन की संधि की थी। किसकी संधि की थी बेटा, बसीन की संधि की थी, याद रखना है आपने। अंग्रेजी कंपनी ने बाजीराव की मदद करने के लिए स्वीकार कर लिया, और इसके बदले में बाजीराव द्वितीय के साथ क्या समझौता किया, देखिए इसे हम बसीन की संधि कहते हैं। जब अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ जो संधि की थी तो उसे बसीन की संधि है। तो 1802 में हुई थी ये संधि। तो क्या शर्तें थी, शर्तें थी बाजीराव द्वितीय सूरत के जितने भी क्षेत्र हैं वो अंग्रेजों को देगा।
क्या बोला था, अगर वो पेशवा बन गया तो सूरत के सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे देगा। और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, जब मिल बैठ मतलब सभी मिली भक्त करते हैं तब कैसे कैसे शर्तें रख लेते हैं। मराठों द्वारा निजामों से लिया जाने वाला चौथ का कर, जो टैक्स लिया जाता था, वो मतलब करना होगा, यानी कि चौथ वाला कर बंद करना होगा। इसलिए क्योंकि निजामों द्वारा अंग्रेजी कंपनी के सहायक गठबंधन पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 6000 सैनिकों को बाजीराव द्वितीय का सहयोग दिए गए थे, यानी कि दिया जाएगा। यह था 6000 सैनिकों या सैनिक अंग्रेजी कंपनी द्वारा बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बनाने के लिए जो है दिए गए। परंतु बाजीराव द्वितीय पेशवा बनने के बाद ये सैनिक कंपनियां जो हैं वो अंग्रेजी कंपनियों के पास नहीं देने थे, बल्कि सैनिकों को खर्चा वो सारा का सारा पेशवा बनने के बाद उनको ही उठाना पड़ना था। तो ये संधियां थी। इस संधि के बाद मराठा साम्राज्य के विघटन का कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद मराठा साम्राज्य के वंश जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र के रूप में खिलाफ युद्ध का निर्णय लिया, और इसमें आंगल द्वितीय युद्ध हुआ, तो ये आंगल द्वितीय के रूप में ये जाना गया। और इसमें सिंधिया, भोसले और होलकर वंश अंग्रेजों के खिलाफ जो है अभियान किया गया, परंतु ये अभियान जो है विफल रहा, असफल रहा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, अंग्रेजी कंपनी जो है वो मराठाओं या मराठा वंशों के साथ सिंधिया कैसे हुआ था। तो बाद में अंग्रेजों ने फिर से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्यों को अलग वंशों के साथ अलग अलग शांति संधि करने के लिए बोला। तो इस प्रकार से थी, देख सकते हैं द्वितीय अंग में क्या क्या था, अंग्रेजी कंपनी और सिंधिया वंश के बीच, अंग्रेजी कंपनी और भोसले के बीच। तो पहली संधियां ये हुई थी, इतने में देव गांव की संधि हुई थी 1803 में, और राजपुर घाट की संधि हुई थी 1804 में। इसके बाद तृतीय युद्ध आता है आंगल। तो हमने जाना कि हमने दो मराठा युद्धों के बारे में पढ़ा, जिसमें मराठा साम्राज्य जो है वो सत्ता की चाह अंग्रेजी कंपनी से मदद में ली गई, परंतु तृतीय आंगल मराठा के कारण जो है ये युद्ध का कारण बनी थी। जब मराठाओं द्वारा अभियान करा गया था, तब अभियानों में जो है पिंडारी भी उनकी सेना में जो है वो जुड़कर साथ दिया, और बदले में उन्होंने विजय के बाद पिंडारी उन जीते हुए क्षेत्रों में लूटपाट करते थे। पिंडारियों के साथ तो सारे लोग जो थे, मतलब पिंडारियों में सारे तरह के लोग थे, मतलब हर टाइप के लोग थे, चाहे कोई भी हो, चाहे धर्म के, जात पात या वर्ग का हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, ठीक है। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया, जिसकी वजह से जो है मराठाओं द्वारा कोई ज्यादा अभियान नहीं किए गए या गए, और इस प्रकार पंडारियों की कोई भी कमाई नहीं हो पा रही थी। इस क्रम में पिंडारियों ने अपनी पूर्ति के लिए आपस के आसपास के जो क्षेत्र थे, निजामों के क्षेत्र, कर्नाटक के नवाबों के क्षेत्र, मालवार के क्षेत्र, अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के क्षेत्र, उनमें भी लूटपाट करना शुरू कर दे। अब कहीं ना कहीं से जो अगर किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो करेगा अपने पेट को पालने के लिए, ठीक है। 1817 में अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने पिंडारियों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिए गए, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के इस आदेश से जो है मराठाओं ने उनकी संप्रभुता पर ठोस समझा, और अंग्रेजों से जो है इसका बदला लेने के लिए निर्णय लिया। यानी कि उन्होंने गलत समझा कि वो हम पर ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है इसको उनको ठेस लगी कि ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था। तो तृतीय आंगल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी
द्वितीय के बाद सॉरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी द्वारा मराठा साम्राज्य एक अलग अलग वंशों के केंद्रों में निवास कर बना, ताकि मराठों का द्वारा कोई भी विद्रोह का षड्यंत्र हो रहा हो तो उसे पकड़ लिया जाए। तो इसी क्रम में पेशवा और गायकवाड़ वंश के बीच जो है एक वित्तीय संघर्ष होना शुरू हो गया, और इसलिए गायकवाड़ वंश जो है अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना साम्राज्य का जो है यानी कि पेशवा के पास भेजा और कहा कि एक मंत्री जो है त्रिम्बकजी डांगलिया द्वारा जो है वो गायकवाड़ वंश के जो है मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी जाती है, और अंग्रेजी कंपनी द्वारा जो है गायकवाड़ वंश का जो सहयोग किया था उन्होंने पेशवा को वो उन्हें जो है वो सौंपने का आदेश दे दिया, और अंग्रेजी कंपनी जो है पेशवा विद्रोही बनने की भी शंका हो गई थी। इसके बाद उन्होंने उनके बीच जो हुआ था वो हुआ था पूना की संधि जो कि 1817 में हुई है। इसमें अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा बहुत से क्षेत्रों में जो है नियंत्रण में ले लिया, जैसे नर्मदा उत्तर का क्षेत्र, तुंगभद्रा का क्षेत्र या दक्षिण का क्षेत्र। तो उन्होंने पेशवा गायकवाड़ वंश की से किसी भी तरह का जो है कर नहीं ले सकते थे, इसलिए पेशवा भी भारतीय राज्य जो है के साथ संधि नहीं कर सकते। ये इन्होंने पूना की संधि में जो है बातें कही थी कि कर नहीं लेंगे, भारतीय राजाओं के साथ संधि नहीं करेंगे, तुंगभद्रा ये जितने भी क्षेत्र हैं वो भी इन्हें दे देंगे, इस प्रकार की संधियां थी, और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी थी। तो इसके बाद मेरे भैया इन्हीं सब कारणों से जो है पेशवा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया, और बाकी के मराठा वंशों यानी कि इन सब का होलकर वंश तक सभी विद्रोह राजनीतिक रणनीति बनाई, और अंग्रेजों जी कंपनी से छुपकर जो है पेशवा ने बहुत बड़ी सेना भी बना ली। बाकी वंशों को भी पेशवा के द्वारा मदद कराएगी ताकि वे भी बड़ी सेना बना सकें, और इस क्रम में पेशवा और सिंधिया वंश दूसरे राजवंशों या साम्राज्यों से सहयोग लेने की जो है वो कोशिश करने लग गए थे, और उन्होंने उस समय सिख साम्राज्य के जो है राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य की मदद मांगी, परंतु ये कार्य जो है अंग्रेजी कंपनी द्वारा सिंधिया वंश को पकड़ लिया गया, और ग्वालियर की फिर संधि की गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया वंश के साथ ग्वालियर की संधि की। याद रखना है प्यारे बच्चों, ग्वालियर की संधि कब हुई है, 1817 में, कब हुए 1817, और ये संधि 1817 में हुई, और संधि की कुछ शर्तें जो हैं वो ये थी पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ देना, और ऐसे में सिंधिया वंश जो है वो पेशवा की कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद पेशवा द्वारा आक्रमण कर दिए गए संदेश भोसले और होलकर वंश को दे दिया गया, और इस क्रम में पूना जो है मैं ब्रिटिश निवास को आग लगा दी गई, और नवंबर 1817 को जो है आंग्ल मराठा जो तृतीय युद्ध था वो प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ, और भोसले वंश में जो है अप्पाराव भोसले द्वारा जो है नागपुर में जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी को भी आग लगा दी गई, और पेशवा द्वारा जो है किरकी के ब्रिटिश कैंप पर भी आक्रमण कर दिया गया। शीतलबंदी के क्षेत्र में जो है भोसले वंश की सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच युद्ध हो गया, परंतु ये किरकी के में जो पेशवा थे और साथ में बल्दी के में भोसले वंश के जो सेना थी दोनों को पराजय मिली, और इस क्रम में होलकर वंश भी महिदपुर क्षेत्र में जो है अंग्रेजी सेना के आक्रमण किया, परंतु वे भी असफल रहे, और अंग्रेजी कंपनी इसमें विजय प्राप्त हुई, और इसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने होलकर वंश के साथ 1818 में
मंदसौर की जो है वो संधि की है, याद रखिएगा मंदसौर की संधि की। और इसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय पेशवा थे तो दक्षिण भारत की तरफ भाग गए, और अंग्रेजी कंपनी को ये आशंका थी कि ये पेशवा फिर से वहां आकर जो है उन पर आक्रमण करेगा, इसलिए अंग्रेजी कंपनी ने उन्हें क्या किया, सेना को पूना बुला लिया, वापिस पूना बुला लिया। ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की सेना जो है वो एक टुकड़ी पूना के क्रम में रात को कोरे गांव के क्षेत्र में रुकी, और पेशवा को इस अवसर का लाभ उठाते ही हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया। परंतु बाजीराव द्वितीय ने कोरे गांव के युद्ध में जो है पराजय मिली, और इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 को जून 1818 तक प्राणों की रक्षा के लिए जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जो है वो भागते रहे, मतलब अपने जो है वो बचाव के लिए इधर से उधर भागते रहे थे। और इसके बाद बाजीराव द्वितीय ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, और तब अंग्रेजी कंपनी द्वारा जो है पेशवा पद को ही खत्म कर दिया गया। तो ये है आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है जी, याद रखना आपने। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र थे वो अंग्रेजी कंपनी ने कब्जा कर लिया, और वहां पर बॉम्बे फर्नीस के अंतर्गत रख दिए गए, और बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से अंग्रेजी कंपनी से द्वारा निकालकर कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में एक पेंशन पर भेज दिया गया, ताकि भारतीय राजाओं को ये बताया जाए कि अंग्रेज जो के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या हो सकता है। इसके साथ ही अंग्रेजी सेना पिंडारियों का भी हंत कर दिया, और पिंडारियों का मुख्य जो है आमिर खान और करीम खान, इन्होंने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया, और इस प्रकार मराठा साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से जो है वो नियंत्रण में आ गया, और भारत यानी कि अंग्रेजों का भारत में जो है एक और बड़े साम्राज्य पर जो है वो कब्जा हो चुका या हो गया। ये था भारत का इतिहास जो कि हमने पूरा कंप्लीट किया है। इसके बाद जो है अब हम नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ मिलेंगे, जिसमें हमारा जो है वो पतन करेंगे हम, यानी कि अंग्रेजों का, यानी कि 1857 का विद्रोह भी इसी में आएगा, और 1947 तक जाएंगे। तो ये आगे की सीरीज के लिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरा कंप्लीट जीके देखने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिएगा और क्लासेस को कंटिन्यू लगाइएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।